फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में, जी हाँ दोस्तों, देश में जो तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ बतौर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर होने का ख्वाब देख रहे हैं और पीएचडी की डिग्री आपके पास नहीं है तो दोस्तों आपके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने विशेषज्ञों के साथ जो दोस्तों अभी हाल ताज में बैठक किया है उसमें इस बात पे विमर्श हुआ है, इस बात पे एक निष्कर्ष निकला है कि जो भी फील्ड है, जो प्रोजेक्ट में या किसी भी फील्ड में उत्कृष्ट कार्य किए होंगे, ऐसे कार्य जिनसे समुदाय लाभान्वित हुआ होगा या जिनका जमीनी स्तर पे किसी भी परियोजना को मूर्त रूप में परिणत कराने के फलस्वरूप उनका जमीनी स्तर पे सरोकार रहा हो, ऐसे लोगों के अनुभव को पूरे के पूरे जो शैक्षिक महकमा है उसको जानने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए पीएचडी की अनिवार्यता से अब राहत देने का विचार हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए जगह देने के लिए एक एक्सपर्ट का पद सृजित किया जा रहा है। ये जो पद होगा वो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का होगा या प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का होगा, जिसमें विभिन्न फील्ड्स के जो भी विशेषज्ञ रहेंगे, जो कि महानतम व्यक्ति रहेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अलग तरीके से काम किया होगा, उनको विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जगह देने के लिए दोस्तों ये विशेष प्रकार के पद सृजित किए जा रहे हैं। अब पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म करने पे विचार चल रहा है। अल्ताज में जो बैठक हुई है, जो बातें हुई हैं, जो निष्कर्ष है, जो ताजा अपडेट्स है उससे आपको दोस्तों रूबरू कराते हैं। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य नहीं होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला किया है। यूजीसी के इस फैसले से संबंधित विषय के विशेषज्ञ यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकेंगे, स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा यूजीसी कई नए और विशेष पदों को सृजित करने की भी योजना बना रहा है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ये पद प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस व एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के हो सकते हैं। इस संबंध में यूजीसी चेयरमैन एम जगदेश कुमार ने कहा कि कई विशेषज्ञ हैं जो पढ़ाना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है विशेषज्ञ जिसने बड़ी परियोजनाओं को लागू किया हो और जिसके पास जमीनी स्तर का काम करने का अनुभव हो, ये कोई महान नर्तक या संगीतकार भी हो सकते हैं, जगदेश कुमार ने कहा। लेकिन हम उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार नियुक्त नहीं कर सकते, इसलिए ये स्पेशल पद सृजित करने का फैसला किया गया है जिनके लिए पीएचडी डिग्री की जरूरत नहीं होगी। एक्सपर्ट्स को सिर्फ अपना अनुभव दिखाना होगा। इस मसले पर यूजीसी अध्यक्ष के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों वाइस चांसलर्स की बैठक के दौरान प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन पर काम करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया गया। बैठक अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर प्रगति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। इन सब के अलावा यूजीसी की योजना एक ऐसा पोर्टल शुरू करने की भी है जिसके जरिए शिक्षकों की भर्ती का हिसाब किताब रखा जा सके। इससे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में देर नहीं होगी। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर 2021 तक केंद्र वित्त पोषित संस्थानों में 10,000 से ज़्यादा शैक्षणिक पद खाली पड़े। तो दोस्तों 10,000 से ज़्यादा शैक्षणिक पद खाली पड़े हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कभी पीएचडी को अनिवार्य करता है, कभी पीएचडी को ढील करता है, यानी नेट और पीएचडी के बीच में दोस्तों ये चलता रहता है। कभी नेट अनिवार्य हो जाता है, पीएचडी से राहत मिलती है, और कभी पीएचडी अनिवार्य हो जाती है, नेट की वैल्यू दोस्तों ख़त्म हो जाती है। और ये बातें दोस्तों होती आई हैं
अभी हाल ताज में जो खबर आई थी, वर्ष 2024 से विश्वविद्यालयों में पीएचडी अनिवार्य हो जाएगी। अब यहाँ बात ऐसी आ रही है कि पीएचडी की अनिवार्यता से राहत दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो संदेश उच्च शिक्षा विभाग का है, जिसके अंतर्गत बुद्धिजीवी दोस्तों देश को दिशा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बच्चों की विचार श्रृंखलाओं को एक मार्गदर्शन देते हैं, जरूरी इस बात का है कि उच्च शिक्षा में ये जो एक प्रकार से नेट और पीएचडी के मानक के बीच में जो विचार विमर्श और शोध चल रहा है दोस्तों, उससे विरत रहते हुए एक जो परिपाटी चली आ रही है नेट और पीएचडी दोनों की, दोस्तों वो यथास्थिति कायम रहे। किसी भी चीज़ की अनिवार्यता ज़रूरी नहीं है। ख़ासतौर पे अगर हम मान के चलें, अगर कोई नेट है तो वो भी हायर एजुकेशन में बैठ जाए, यानी उसे भी इंटरव्यू देने का राइट हो, और पीएचडी है तो उसे भी दोस्तों राइट होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।